गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको अमित कुमार यादव की तरफ से सुप्रभात। आज से हम आपके लिए एक नया इन्वेशन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको अटपटा ज़रूर लगेगा लेकिन आप मुझे समझेंगे। डियर स्टूडेंट, पहला जो चैप्टर है, दूसरा जो चैप्टर है, यानी कि आपकी जो पहली यूनिट है बायोलॉजी की, ठीक है, कुल मिला के आपकी जो बायोलॉजी की जो बुक है उसमें मैंने इंट्रोडक्शन तो आपको पहले करा ही दिया था। क्यों? तो पहला जो आपकी यूनिट है डियर स्टूडेंट वो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये है। और इस पहली यूनिट को कितने में, चार चैप्टरों में बांटा गया है जो कि लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है द लिविंग बर्ड्स, चैप्टर टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर थ्री प्लांट किंगडम और चैप्टर फोर है एनिमल किंगडम। ओके डियर स्टूडेंट, इन चैप्टरों में ऐसा बहुत कुछ नहीं होता जिसे मैं बोर्ड के ऊपर आपको समझाऊँ कि इनमें किसी प्रकार की कोई किसी भी तरह की जो है नोट्स जो है वो आपके लिए कोई विशेष बातें हैं इसमें, ठीक है, या ये कहें कि बोर्ड पे इनमें किसी तरह की कोई प्रोसेस वगैरह चलती हैं, नहीं। ये जो पहली जो यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स, इसके तो जो पहले दो चैप्टर हैं कौन कौन से, द लिविंग वर्ड्स लेफ्ट साइड में देखिए, चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड्स एंड चैप्टर सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन्हें हम आपको बुक के माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक है। आई होप आप मुझे समझ रहे हैं। और बुक के माध्यम से पढ़ाने का जो रीज़न है डियर स्टूडेंट वो सिर्फ एक ही है, वो रीज़न क्या है कि इनके अंदर नोट्स नहीं बनाए जा सकते। अगर फिर भी अगर आप कुछ लिखना चाहेंगे तो मैं अंडरलाइन कर दूंगा, आप उन चीज़ों को नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर जो होते हैं एक प्रकार से पढ़ाने के होते हैं, एक तरीके से डिस्क्रिप्शन इनमें कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है। और जो भी बीच में कुछ भी चीज़ें समझाने योग्य होंगी मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। तो आज हम स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से दो चैप्टर आपके कंप्लीट करेंगे, एक तो पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड और दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरे और चौथे जो चैप्टर हैं वो उनके लिए हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि इनमें समझाने का बहुत कुछ है, ठीक है। और उसी तरह से आपके नोट्स तैयार कराए जाएंगे, लेकिन पहले दोनों चैप्टरों को मैं आपको किसके माध्यम से, स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से पढ़ाऊंगा, जैसे कि आप सब मेरे सामने बैठे हुए हैं और आपने बुक खोल रखी है। ओके गुड, तो आपका पहला, सबसे पहले आप इस वैज्ञानिक के बारे में समझिए। आप अभी टॉपिक डाल सकते हैं अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में क्या लिखेंगे, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, क्या नोट करेंगे सबसे ऊपर, चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम लिखेंगे द लिविंग वर्ल्ड, ये वाला, ये रहा चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। ओके जीव जगत, ओके। इसमें आप पहला जो नोट लिखेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही है कि ये जो वैज्ञानिक आपके सामने स्क्रीन के आपके ऊपर दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। इनके बारे में ओनली ऑन एक चीज़ आप नोट करेंगे, ठीक है, और वो क्या नोट करेंगे डियर स्टूडेंट, वो नोट करेंगे अर्नेस्ट मेयर हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th century। मैं इसको, ये वाली जो लाइन है अर्नेस्ट मेयर से लेके, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, यहाँ पर, ओके। जर्मनी को भी आप काट सकते हैं, जर्मनी भी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, ये ठीक है, ये नोट करना है आपको, जो अंडरलाइन मैंने किया है क्या है, अर्नेस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th century, यानी कि इन्हें 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि वे उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। तो आप क्या बताएंगे? आंसर होगा सीधा सा अर्नेस्ट मेयर। ओके, ये पहली लाइन आप नोट करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद इसमें कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। अब हम बात करते हैं द लिविंग बर्ड्स की, आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। और सबसे पहले जो आप टॉपिक डालेंगे डियर स्टूडेंट, वो क्या डालेंगे? व्हाट इज लिविंग, जीव क्या है? क्या डालेंगे टॉपिक आप डालेंगे? व्हाट इज लिविंग, जीव क्या है ये, ठीक है। ओके, सबसे पहले आप ये व्हाट इज लिविंग ये आप डालेंगे। इसके पश्चात आपको लिखना इसमें अभी कुछ भी नहीं है, मैं पहले समझा देता हूँ। व्हेन वी ट्राई द डिफाइन लिविंग, जब हम कोशिश करते हैं कि जीव क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं, या उसे परिभाषित, डिफाइन का मतलब परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि जीव क्या है, वी कन्वेंसली लुक फॉर डिस्टिंगटिव कैरेक्टराइजिंग एक्सहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तब हम प्राय जीवों के सुस्पष्ट जो लक्षण होते हैं, डिस्टिंगटिंग कैरेक्टर का मतलब जो उनमें दिखाई देते हैं। आप सोच के देखिए, यदि आपसे ये पूछा जाए कि जीव क्या है, तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि सर जीव तो वो होते हैं जो वृद्धि करते हैं, जो गति करते हैं, जो जनन करते हैं, यही तो हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये वृद्धि, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये ही क्या है डियर स्टूडेंट, यही क्या होते हैं, यही डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर होते हैं। सो क्या कहा गया है कि वी कन्वेंसली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर एक्सिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हम इन्हीं को देखते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे आगे दे रखे हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी, ओके, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी, इसके बाद टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट ए सूटेबल रेस्पोरेंस कम आउट फॉर द माइंड, हमारे यही तो होते हैं। अरे यही तो आते हैं हमारे माइंड में, क्यों? कौन कौन से? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट ए सूटेबल रेस्पॉन्स, यही है कि क्या क्या आते हैं हमारे दिमाग में, वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना, कि एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट ए सूटेबल रेस्पॉन्स, और उसके अनुकूल क्रिया करना। सूटेबल रेस्पॉन्स का मतलब, जैसे धूप में जाते हैं आप, तो आप क्या करते हैं? आप धूप में जाते हैं तो आपको, आप नंगे पैर अगर गर्म स्थान पर चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत देर बाहर धूप है और नंगे पैर अगर आप फर्श पर चलेंगे, तो क्या होगा? आपको अनुभव होगा कि आपके पैर जो हैं वो जल रहे हैं। डेस्टेंट, ये सेंस हुआ या नहीं? तो आपने बाहर जो उद्दीपन था, ठीक है ना, उसे क्या किया? सेंस किया इन्वायरमेंट से। ये एबिलिटी केवल जीवों में पाई जाती है, ठीक है। निर्जीव जो होते हैं, नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो इन्वायरमेंटल जो स्टिमुलाई होते हैं उन्हें सेंस कर सकें, नो, ठीक है, वो इन्हें सेंस नहीं कर सकते। तो जीवन की परिभाषा में क्या हो सकता है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट टू ए सूटेबल रेस्पॉन्स, ओके। इसके नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, ये जो मैं इनको भी अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर, इनके अलावा, किस किस के अलावा? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट ए सूटेबल रेस्पॉन्स, इनके अलावा वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, उपापचय। मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है वो डियर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकती है?
डियर स्टूडेंट वो हो सकती है सिर्फ और सिर्फ जियो में, ठीक है। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, अपने अपनी प्रतिकृति तैयार करना, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब होता है स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, ओके। बहुत सारे जीव होते हैं, हमारे शरीर, हमारी जो कुछ सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि अपनी प्रतिलिपि बनाते हैं। जैसे मैंने न्यूक्लियस के बारे में आपको जो पढ़ाया था तब बताया था मैंने कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है डियर स्टूडेंट, तो उससे पूर्व जब सेल डिवीजन होता है तो उससे पूर्व जो इंटरफेज जो प्रोसेस चलती है उसके अंदर क्या होता है कि कोशिका जो होती है वो प्रिपरेशन स्टेज में आ जाती है, ग्रोथिंग स्टेज होती है उसकी, ग्रोथ स्टेज होती है। और उस ग्रोथ स्टेज में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं सेल्स के, जो कि क्या करते हैं अपने आप में वृद्धि कर लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से एक डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है कि डीएनए अपनी क्या बना लेता है, एक फोटोकॉपी बना लेता है। तो एबिलिटी टू सेल्स रेप्लिकेट यानी कि अपनी प्रतिलिपि तैयार करना, ये भी गुण हो सकता है जीवों का। सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप को संगठित करना, ये भी गुण है, ठीक है। तो ये सभी गुण क्या हो सकते हैं, एक लिविंग, एक जीव की परिभाषा से संबंधित हो सकता है, ओके। इसके पश्चात इनको हम व्याख्यात्मक रूप से डिस्क्राइब करते हैं अलग अलग, कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट सूटेबल रेस्पॉन्स। क्या वास्तव में ये चीज़ें जो होती हैं जीव की परिभाषा को डिफाइन करने के लिए बिल्कुल ट्रू हैं, ठीक है। सो चलो देखते हैं क्या वास्तव में, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया कि बताइए कि बेटा जीव क्या है, व्हाट इज़ लिविंग, तो आप कहेंगे सर लिविंग जो होते हैं वो, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वे होते हैं वो जो ग्रोथ करते हैं, जिनमें वृद्धि होती है। अब इसको जानने की कोशिश करते हैं, क्या वाक्य में ये बात बिल्कुल सत्य है कि जीव वही होते हैं जो वृद्धि करते हैं। देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, बात बिल्कुल सत्य है, ट्रू है एकदम, कि सभी और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो यानी कि वृद्धि करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, बट डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना कि ग्रो करने वाले सभी जो चीज़ें होती हैं वो जीव नहीं होती, समझ गए। जैसे पर्वत भी बढ़ता है, रेत के टीले भी आकार में वृद्धि करते हैं, नहीं कचरा बढ़ता है, धरती का आकार बढ़ रहा है लगातार धीरे धीरे आप देखते हैं, तो क्या वास्तव में वो भी जीव हैं, नहीं। तो ये कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, बट ग्रो इज ए नॉट एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अंडरस्टैंड। यानी कि ग्रो जो होती है यानी कि वृद्धि करना, एक सही मायने में क्या नहीं हो सकती, सही मायने में एक परिभाषा यानी कि डेफिनेशन नहीं हो सकती। देखिए कैसे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन करेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है उसके दो करेक्टर होते हैं, क्या क्या, इंक्रीज इन मास यानी कि भार में वृद्धि, मास का मतलब भार होता है, वेट, वजन, एंड इंक्रीज इन नंबर और संख्या में वृद्धि, इज ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन करेक्टर। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं जीवों के। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आगे देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, किसके द्वारा करते हैं, सेल डिवीजन के द्वारा। शायद सेल थ्योरी आपको ध्यान हो रही होगी जो कि स्लीडन और स्वान के द्वारा दी गई थी डेस्टन, उसमें यही कहा गया था कि नई बनने वाली जो सेल्स होती हैं उनका जो फॉर्मेशन होती है वो हमेशा पहले जो कोशिका बन चुकी है उन्हीं से होता है, ऐसा ही था। तो क्या कहा गया है कि ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। दिस ग्रोथ, यह जो वृद्धि होती है बाय सेल डिवीजन
अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, किन के अंदर, प्लांट में। जबकि प्लांट में ये जो वृद्धि होती है ये कोशिका विभाजन द्वारा जीवन पर्यंत चलती रहती है। पेड़ पौधे हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है, हमेशा वृद्धि करते रहते हैं, जब तक पेड़ का जीवन होगा प्लांट का तब तक वो ग्रो करेगा, वो वृद्धि करेगा। लेकिन जीवों में ऐसा थोड़ी होता है। इन एनिमल दिस ग्रोथ सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज, एक निश्चित आयु तक दिखाई देती है। जैसे आप में जो वृद्धि है वो खूब अधिकतम जो है वो जब आप 20 साल के हो जाएंगे युवा, उस समय तक होगी, उसके पश्चात ही ग्रो जो है वृद्धि आपकी रुक जाती है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, ध्यान रखना। हाउएवर सेल डिवीजन अकर होता है इन सर्टेन टिश्यू, निश्चित ऊतकों में, टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स, ठीक है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें, समझ गए। कोशिका विभाजन हमेशा कब होता है, सर्टेन किसी निश्चित जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं उनमें, ताकि रिप्लेस लॉस्ट सेल्स टू, ताकि क्या कहा गया है, विलुप्त जो कोशिकाएं होती हैं उनके स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, एक कोश के जो जीव होते हैं वो कोशिका विभाजन द्वारा ग्रो करते हैं। वन कैन ईजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। क्या कहा गया है कि जो एक कोश के जो जीव होते हैं, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ग्रो बाय सेल डिवीजन, वो भी अपनी वृद्धि किसके द्वारा करते हैं, सेल डिवीजन के द्वारा करते हैं। इन्हें हम वन कैन ईजीली ऑब्जर्व, इन्हें हम देख सकते हैं आसानी से, दिस इज इन विट्रो कल्चर, किसके अंदर, पात्र संवर्धन में, बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर, और इन्हें आसानी से गणना कर सकते हैं इनकी, द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, और सूक्ष्म दर्शी की सहायता से हम इनकी गणना भी कर सकते हैं। ये सामान्य जानकारी है, आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, समझ गए, आप सिर्फ समझते हुए चलें। ओके, जो भी कुछ लिखने का आएगा वो मैं आपको बताता रहूँगा, जो अंडरलाइन कर लिया केवल वही नोट कर लेना बस। वन कैन इजीली, ओके, इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रो एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। क्या कहा गया है कि अधिकांश उच्च कोटि के जो प्राणी होते हैं तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं होती हैं, जबकि सूक्ष्म जीवों में तो क्या होता है, एक जीव ने जन्म लिया, दूसरे समय वो सेल डिवीजन वगैरह होके दो नए जीव बना लिए, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर नहीं। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है, अधिकांश जो उच्च श्रेणी के जो पादप और जो जंतु हैं, डियर स्टूडेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये उनके अंदर एक विशिष्ट घटना है। ऐसा नहीं है कि जन्म लेते ही हम जनन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ऐसा क्या मानव में देखने को मिलता है कि एक मानव ने जन्म लिया और उसके पश्चात उस मानव से एक दूसरा मानव पैदा हो गया, जबकि जो यूनिसेलुलर जो होते हैं जीव, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ऐसा हो जाता है, क्यों, डिवीजन हुआ, दूसरा नया जीव बन गया, क्योंकि वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिका दो भागों में विभाजित हुई, दो नए जीव बन गए, चार में हो गए, चार नए जीव बन गए। लेकिन हमारे अंदर ऐसा थोड़ी होता है, प्लांट में ऐसा थोड़ी होता है, ये तो हमारे अंदर तो एक एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, एक विशिष्ट घटना है। और हमारे अंदर तो ये कब शुरू होगा, हमारे अंदर तो डियर स्टूडेंट जब शुरू होगा, जब अच्छी तरह से हम क्या हो जाएंगे, ठीक है, जब हम अच्छी तरह से मच्योर हो जाते हैं, राइट। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इन कंसिडर्ड एज ग्रोथ, हम जानते हैं कि दैट है कि इंक्रीज इन बॉडी मास यानी कि शरीर के भार में वृद्धि हो, इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, ग्रोथ के रूप में समझा जाता है इसे, कि शरीर के भार में अगर वृद्धि हो रही है तो ये ग्रोथ है, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इन इफ वी टैक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्रिटेरियन फॉर ग्रोथ,
यदि हम भार में वृद्धि को ही अभिलक्षण माने तो डियर स्टूडेंट क्या कह सकते हैं कि निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है, जैसे माउंटेन बाउडलर एंड शेंड माउंट डूग्रो पर्वत है, या फिर बाउडर मतलब गोलास्म जो होते हैं एंड सैंड माउंट यानी कि रेत के जो टीले होते हैं डूग्रो, ये भी तो ग्रो करते हैं, तो इन्हें तो जीव तो नहीं कह सकते, ठीक है। हाउ एवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इन बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि निर्जीवों में इस प्रकार की डिफरेंट जो वृद्धि होती है ना, उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने से होती है। क्या कहा गया है कि हाउ एवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय ए एक्यूमुलेशन, का मतलब एकत्रित होना, ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, उनकी सतह पर मटेरियल के एकत्रित होने के कारण ये क्या होती हैं, ग्रोथ होती हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इन फ्रॉम इनसाइड, जबकि हमारे अंदर यानी कि जो जीव होते हैं डियर स्टूडेंट, उनमें वृद्धि आंतरिक होती है, इनसाइड होती है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हम क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं है, ठीक है, या ये कहें कि ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इनका गुण जरूर है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है कि आप उसे परिभाषित कर सकें इस रूप में कि जीव वे होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म वे हैं जो कि ग्रोथ करते हैं। नो, हाँ इतना जरूर है कि ग्रोथ जरूर करते हैं, ये उनका एक यूनिक फीचर जरूर हो सकता है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। सो अकेले ग्रोथ के रूप में डिफाइन किया जा सकता है? नो, अकेले ग्रोथ के रूप में नहीं। ओके, तो फिर हम क्या कहें, इसके बाद हम दूसरा लेते हैं, कौन सा, रिप्रोडक्शन, ये वाला। लाइकवाइज समझ गए, दूसरा गुण क्या हो गया कि रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए करैक्टराइटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन जो है वो जीवों का अभिलक्षण है। तो नंबर दो लिख सकते हैं आप यहां पे रिप्रोडक्शन, अगर नोट कर रहे हैं तो। पहले में आपने क्या लिखा था, पहले में आपने शायद ये लिखा होगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ठीक है। दूसरे में आप क्या लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज ए करैक्टराइटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड, कि जनन क्या है, जनन एक करैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेनी प्रोसेस फीचर मोर ऑफ लेस सिमिलर टू दोसो पेरेंट्स। क्या कहा गया है कि बहुकोशिकीय जीवों में जो जनन का अर्थ है उसका मतलब है अपनी संतति उत्पन्न करना, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं, सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। क्या कहा गया है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेनी प्रोसेस फीचर मोर ऑफ लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स। बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं डियर स्टूडेंट, उनमें जनन का अर्थ मतलब क्या है, अपनी संतति उत्पन्न करना, ठीक है, टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेनी प्रोसेसिंग फीचर, अपनी संतति उत्पन्न करना, एंड जिसके जो फीचर यानी कि अभिलक्षण है वो मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स, और किसके समान होते हैं डियर स्टूडेंट, अपने माता पिता के समान, ठीक है। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। इन वर्बली एंड इनकम्प्लिसिटी वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, अरे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल मीन्स ऑल्सो का मतलब कि
कि सेक्सुअल तो बात सही है, लेकिन जीव ऐसे भी होते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जैसे फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। फंजाई जो होती हैं, कवक जो होते हैं, लाखों अलैंगिक बीजाणुओं का गुणन करती हैं। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। फंजाई जो होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारे स्पोर बनाती हैं, लाखों स्पोर बनाती हैं। क्यों? ओके, स्प्रेड इजीली और आसानी से फैल जाती है। देखा होगा आपने रोटी के ऊपर फाई जैसी संरचना होती है, देखी होगी आपने। एस्परजिलस नामक एक कवक होती है। डियर स्टूडेंट, कौन सी कवक? एस्परजिलस। रोटी का जो फाई, रोटी सड़ जाती है ना, सड़ी हुई ब्रेड या रोटी आपने देखी होगी, ठीक है। जो रोटी जो सड़ जाती है डियर स्टूडेंट, वो रोटी जो सड़ जाती है वही क्या हो जाती है, वो क्या बन जाती है, उसके ऊपर जो फाये जैसी रुए जैसी संरचना होती है ना, वो फंगस है, कितनी तेजी से वृद्धि करती है। तो यही तो बात लिखी हुई है कि फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली, आसानी से फैल जाती है, ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। किसके कारण? बहुत सारे लाखों स्पोर जो होते हैं वो प्रोड्यूस करती है ये। तो रिप्रोडक्शन जो केवल है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर दो अलग अलग जो जीव होते हैं, नहीं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का हो सकता है। तो दूसरा जो यूनिक फीचर है डियर स्टूडेंट, वो क्या है, रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टराइटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ये जो प्रयोग है आज का जो अपना है, इस पूरे चैप्टर को हम इसी प्रकार से आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक है। आई होप आप मेरी जो भावनाएं हैं, मेरे जो इमोशन हैं, उन्हें आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बोर्ड के ऊपर इनसे संबंधित जो नोट्स हैं वो समझाने जो हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से ये ऐसे चैप्टर हैं जो कि काफ़ी लेंथी हैं, लिखने का इनमें कुछ भी नहीं होता। जो अंडरलाइन करा दिया वो लिख लेना, और नहीं लिखें तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको हमेशा याद भी रह जाएंगी, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही शब्द याद रखना है, जी व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। बड़ी आसानी से आपको डिफाइन जो डेफिनेशन है वो इन सारे जो करैक्टर हैं इनकी डिस्क्राइब करने के पश्चात मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा। ओके।